नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पराठा। इसके लिए मैंने लिया 1 कप आटा, 1 कप बंधा गोभी, 1 कप गाजर, 1 कप गोभी। इन तीनों को मैंने इसकी सहायता से ग्रेट कर लिया। इसके अलावा 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्चा, हरी धनिया, 1 पीस हरी मिर्ची, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक और तेल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये जीरा पाउडर फ्राई किया हुआ है। सबसे पहले हम बॉल में आटा को लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम नरम आटा गूंथ लेंगे। देखिए, हमारा नरम आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्राई पैन को गर्म करेंगे। जब हमारा फ्राई पैन गर्म हो जाएगा तब हम उसमें 2 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से हिलाकर फैलाएंगे। अब हम इसमें सारे वेजिटेबल डालेंगे। अब इस सब को अच्छे से मिलाते हुए इसे 2 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। अब इसमें हम सारे मसाले, चाट मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लेंगे। देखिए, हमारा स्टफिंग अच्छे से पक गया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारा स्टफिंग और आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम आटे में स्टफ को भरेंगे। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच स्टफ को डालकर इसे अच्छे से घुमाते हुए फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह बाकी के भी आटा में हम स्टफ फिल कर लेंगे। देखिए, हमारा स्टफ फिलिंग आटा तैयार है। अब हम इसे बेलते हैं। इसे गोल गोल घुमाते हुए धीरे धीरे बेलें। इसी तरह बाकी के भी स्टफिंग को हम बेल लेंगे। अब हम तवा को गर्म करेंगे। जब हमारा तवा गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 चम्मच तेल डालकर उसे अच्छे से चारों तरफ फैलाएंगे। अब उसमें हम पराठा डाल के उसे 1 मिनट तक
मीडियम आंच पर पका लेंगे। एक मिनट के बाद हम पराठा पलट लेंगे। देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम पका लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालकर इसे अच्छे से फैला देंगे और इसे पलट लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी ऑयल डालकर अच्छे से फैला लेंगे। इसे चारों तरफ से धीरे धीरे दबाते हुए इसे मीडियम आंच पर पकाएं। इसे पलट के दूसरे तरफ भी अच्छे से पका लें। देखिए हमारे पराठे का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया। ये बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी के पराठे को भी हम सेक लेंगे। देखिए हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। अगर ये अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।